और चलिए अब बात महाठग सुकेश चंद्रशेखर की। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नया कारनामा सामने आया है। बताया गया है कि जेल में बंद सुकेश अलग बैरक और मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को हर महीने करोड़ों की रिश्वत देता था। पैसे के बदले उसके ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखा जाता था। और किस तरीके से ये पूरा जो प्री प्लानिंग वहां पर की गई, जो तस्वीरें सामने आई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेल में से एक दिल्ली का रोहिणी जेल, जहां परिंदा भी पर ना मार सके, जहां बड़े बड़े गैंगस्टर कैद करके रखे गए हैं, वहां एक नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, बल्कि 82 पुलिस वाले एक कैदी की सेवा कर रहे थे, एक कैदी से आदेश ले रहे थे, एक कैदी की नौकरी कर रहे थे। ये कैदी कोई और नहीं, करोड़पति महाठग सुकेश चंद्रशेखर है। रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर कैदी नहीं, बल्कि जेल का मालिक बनकर रहता था और सरकारी मुलाजिम उसके आदेश पूरा करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते थे और सुकेश उन पुलिस वालों को हर महीने तनख्वाह देता था, वो भी हर महीने 1.5 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 42 पुलिस वालों पर FIR दर्ज की है। इन जेल कर्मियों पर आरोप है कि वो तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर सुकेश चंद्रशेखर का हुक्म बजा रहे थे और इसके एवज में उन पुलिस वालों को हर महीने इसकी कीमत मिलती थी और ये कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए। सुकेश चंद्रशेखर को इसके अलावा एक अलग सेल में रखा गया था, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे, ऐसा पूरी जांच में निकल के सामने आ रहा है। और बताया जा रहा है कि ये सुविधा मुहैया कराने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह जो है वो जेल स्टाफ को दिया था और जो पैसा ये था वो निचले स्टाफ से लेकर आला अधिकारियों तक जाता था। टाइम्स नाउ और भारत के पास वो FIR की कॉपी है जिसमें उन सभी 82 पुलिस वालों के नाम दर्ज है। इस लिस्ट में वार्डन और प्रहरी से लेकर अफसरों तक के नाम। आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के एवज में हर महीने जेल कर्मियों और अफसरों को रिश्वत देता था और जेल कर्मी चंद पैसों के लिए अपनी वर्दी को एक महाठग के आगे गिरवी रख देते थे। कौन आला अधिकारी इसमें शामिल है, किनके आदेश से ये पूरा जो करप्शन का मामला है वो जेल के अंदर चल रहा था, इस पे अब आर्थिक अपराध शाखा वो है अब काम कर रही है और उन लोगों के रोल जो है वेरीफाई कर रही है जिनके नाम सामने आए हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुकेश चंद्रशेखर के रडार में और भी लोग थे, उसके संपर्क में और भी लोग थे, क्योंकि एक लेटर भी सुकेश चंद्रशेखर के पास से EOW को मिला है और उसमें बकायदा तमाम लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनको उसने जेल के अंदर रिश्वत दी और उनके माध्यम से सुविधाएं ली। सूत्रों के मुताबिक पैसों के बल पर सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लिए जेल को अपनी ऐशगाह बना लिया था। उसका हर आदेश जेल में तैनात पुलिस वालों के लिए मालिक के आदेश की तरह, पुलिस वाले सुकेश के एक आदेश पर जेल में ऐशो आराम की हर चीज उपलब्ध करा रहे थे। उसके संदेश बाहर भेजे जाते थे और बिना किसी रुकावट के संदेश जेल के अंदर भी आते थे। ये खेल बेरोक टोक जारी रहा, लेकिन जेल में लगी तीसरी आंख यानी CCTV से फंडा फूट गया। सूत्रों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में सुकेश नर्सिंग स्टाफ की मदद से बाहर किसी को एक लेटर भेज रहा था। यह घटना जेल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसमें देखा गया कि एक नर्सिंग स्टाफ ने सुकेश से कुछ पेपर लिए। पूछताछ करने पर पता चला कि सुकेश ने वो लेटर बाहर किसी व्यक्ति को देने के लिए कहा था। जांच हुई तो पूरा रैकेट ही सामने आ गया। 82 जेलकर्मी सुकेश चंद्रशेखर के पेरोल पर पाए गए, यानी पैसे लेकर वो जेल के नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे, हर सुविधा मुहैया करवा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पैसों की लालच में रोहिणी जेल के 82 पुलिसकर्मी न जाने कितने अपराधियों की मदद करते आए होंगे। मोहित ओम, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत।